हिंसा पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। बुलंदशहर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बड़ा कदम, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का हुआ शुभारंभ। मिर्जापुर में आशा संगिनी वर्कर पहुंची कलेक्ट्रेट परिसर, अपनी मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया, मौलाना ने मदरसों का इतिहास पढ़ने को कहा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बहराइच में हिंसा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहराइच को लेकर सबसे पहले मेरी अपील है कि जो जो पक्ष उसमें है सभी कानून व्यवस्था बनाए रखे, इस दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें है सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है, प्रशासन शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं, सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। पढ़ाई के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। 100 छात्रों के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई हैं और पढ़ाई आज से शुरू हो गई है। प्रिंसिपल मनीष जिंदल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। पढ़ाई के 4.5 साल के बाद उनको इस मत की अथॉरिटी मिलती है कि वो पेशेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन 1 साल तक उनको सीनियर्स की गाइडेंस में देखना होता है, जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। उस 1 साल के बाद जब उनको डिग्री मिल जाती है तो वो पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, प्रैक्टिस अंडर फैकल्टी की गाइडेंस, इंटर्नशिप नहीं। उसके पहले सिर्फ वो पेशेंट्स को देखते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली कोई पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते जब तक उनको डिग्री नहीं मिलती। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में आशा और आशा संगिनी वर्कर सैकड़ों की संख्या में जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने मांग की कि हम आशा संगिनी और आशा को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए 18,000-24,000 का वेतन दिया जाए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। बता दें, मांग करने वालों में रेखा सिंह, आशा सिंह और अन्य बड़ी संख्या में महिला मौजूद रही। मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं आशा संगिनी कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे हमारी 11 सूत्री मांग है, जो मैं मैडम डीएम महोदया जी के द्वारा श्रीमान प्रधानमंत्री जी और श्रीमान मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आई हूँ। इसमें हमारे मांग पत्र में है कि जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक हमारी आशा को 18,000 और संगिनी बहनों को 24,000 रुपए मानदेय दिया जाए। जो इंसेंटिव मिल रहा है उसे हटा करके एक मुश्त धनराशि दी जाए। इस मांग पत्रों को लेकर के हम यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हुए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष को उन मदरसों का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, ये वही मदरसे हैं जिन्होंने जंग आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिरादरान ने वतन के साथ मिलकर देश को आजाद कराया। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मदरसों पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने पत्र लिख करके सरकार से कहा है कि तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाए। दरअसल ये हकीकत के ख़िलाफ़ है, उनको मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि यही वो मदरसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़
जंगे आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया और मदरसों के ही छात्र थे अल्लामा फज़ल खैराबादी, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया, जिसे भारत में लोगों के अंदर जोश पैदा हुआ और आज़ादी में कलीदी किरदार अदा करते हुए इन तन के गोरों और मन के कानों को सात समंदर पार भेज दिया। उसी मदरसे पर आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, जांच पड़ताल की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है। और मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले यति नरसिंह नंद ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और अब यूपी के बुलंदशहर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। बता दें, मामूली विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की चाकू से मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जी, ये थाना कोतवाली नगर में नया गाँव पड़ता है। यहाँ पर हमें सूचना मिली कि एक घर में दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और उसमें से एक बड़े भाई ने चाकू से वार कर दिया छोटे भाई पे और हॉस्पिटल में जाके उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने जो जो बड़ा भाई है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो चाकू है वो भी बरामद हो गया है। मामूली बात पे इनकी कहासुनी हो गई और फिर गुस्से में आके उसने चाकू से छोटे भाई पे वार कर दिया। कासगंज के नेहरू नगर में संदिग्ध हालात में महिला का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, परिजन ने पति पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। पति घटना के बाद से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। शादी के 4-6 महीने बाद से ही जो है मारना पीटना चालू कर दिया था। कई बार पंचायत वगैरह समाज द्वारा फैसला भी होते रहे और अभी लगभग जो है 3-4 महीने से सुरपड़ा हमारे यहाँ बुला लाई थे, वो भी साथ रह रहा था। कल शाम को लगभग 1 बजे करीब कॉल किए कि वो शारदा ऐसे ऐसे ख़त्म हो गई है, तो हमने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ वो मिला नहीं, वो भाग गया था रात में। पुलिस को सूचना दे दी थी, जो है सूचना के आधार पर उन्होंने अपना जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो है मुझे तो लगता है कि गला घोट कर हत्या की गई है, क्योंकि उनके मुँह से जो है जीभ जो है बाहर निकल रही है और रूम से बाहर हॉल टाइप जो बना हुआ है उसमें जो है रात में। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में रामलीला के मंच पर बाल बालाओं के अश्लील ठुमके, पुलिसकर्मी मुख दर्शक बने रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद आयोग में नियमों की अनदेखी हुई है, जिसके चलते वायरल वीडियो ने स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ के पीकेटी के बड़ी बाजार में होने वाले दशहरा मेले में रामलीला के बाद रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, पीकेटी कस्बे से लेकर आसपास के गांवों से हजारों लोगों ने 3 दिवसीय चलने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का मेले का आनंद लिया। साथ ही लोगों ने एकजुट होकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। बता दें, नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत ने आए सभी आयोजकों और जनता का धन्यवाद किया। लखनऊ में वर्ल्ड चैंपियन सूर्य प्रताप शर्मा ने ग्रीस में 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। बता दें, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन सूर्य ने प्रदेश में उचित सम्मान न मिलने की बात कही और मुख्यमंत्री से मिलने की अपील की है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाने की मांग करी है। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सूर्य प्रताप शर्मा फिर वर्ल्ड में अपने देश का पताखा लहराते हुए 2 मेडल देश के नाम करते हुए, एक गोल्ड जो हमारे कैटेगरी में 85 कैटेगरी में, एक ओवर कैटेगरी में, ये देश के लिए इस बार फिर भारत का तिरंगा लहराने में कामयाब हुआ है। लेकिन दोस्तों, बस इतनी खुशी होने के बाद भी दिल में एक मलाल थोड़ा सा अभी मेरे अंदर प्रकट हो रही है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों बड़ी चैलेंजिंग के बावजूद भी हमको वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया की ओर से एक मौका मिला था। और इसके बाद भी मैं हर साल 13 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ और हर साल देश के लिए गोल्ड सिल्वर हमेशा देश के समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ हमारे
उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी कुछ लोगों के वजह से उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी पेरिस में ओलंपिक में बहुत सारे बच्चों मेडल जीते हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन उनके बाद भी अगर हम लोग भी मेडल जीत रहे हैं तो हम लोग भी सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।